Hello students, welcome on the e-learning platform Learners Buha. But as you know, कि इस सैशन के आप जिमें जिमें अपने सिलेबस के अगे बढ़ रहे हैं तो मैं पैरल तू जिमें टॉपिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा रहे हैं तो नाल नाल बेटा मैं कुछ क्वेश्चन ताड़े तो पुछता रहना है। लास्ट डेज के ऑल्दो तुम अपने एग्जाम्स के बिजी सी, तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की, बट मैं कुछ क्वेश्चन तू अपना जो वट्सएप ग्रुप बनया हुआ उस पोल के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछे से तो उन्होंने क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के जो रिजल्ट है तोड़े जो तुम आंसर दते है वो मैं बड़ी हैरान कर देने वाले आंसर से उस क्वेश्चन लैके मैं शॉर्ट वीडियो तुहाडे लई बनाया। सो मेरा बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करैक्ट। स्क्रीन पर तुहाडे कोल क्वेश्चन है, पैरल मैं रिजल्ट्स दिते हुए है। देखो जो स्टेटमेंट्स दित्तियां होईयां ने, सब तो पहली स्टेटमेंट एनीमल सेल्स हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। 67% ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यह आंसर ठीक है। 67% ऑफ स्टूडेंट्स ने इस आंसर को ठीक कहा है। दूसरा बेटा अपने को है प्लांट सेल्स डिड नॉट हैव सेल मैमब्रेन, तो 8% ऑफ स्टूडेंट्स इस ठीक कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट इन प्लांट सेल्स, 18% स्टूडेंट्स सी ऑप्शन लै रहे हैं, जो कि 7% स्टूडेंट्स डी ऑप्शन लै रहे हैं। न्यूक्लियस ओनली एग्जिस्ट इन एनीमल सेल। तो ये हैरानी वाली गल कि है वो है बेटा क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है जिन्होंने 100 स्टूडेंट्स ने ठीक किया है। जो स्टेटमेंट है बेटा वो स्टेटमेंट की है एनिमल सेल्स हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो बेटा मैं ये गल तुम्हें कहूँगा कि जी 100 स्टूडेंट्स हो जोड़े सुन रहे हैं जिन्होंने यही अटैम्प्ट किया है, 100 स्टूडेंट्स ने यह गलत ऑप्शन ली है, यह ऑप्शन इनकरैक्ट है, बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं हैगी बेटा। ये तुम किमें कह सकते हो कि एनीमल सेल्स हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो आप सेंट्रल वैक्यूल की गल करिए प्लांट के वैक्यूल की, प्लांट या एनीमल सेल्स वैक्यूल्स की गल करा तो तुम इतने जो कंटेंट देखो, जो कंटेंट तो मैं पढ़ाया देखो, यह मैमब्रेन बाउंड स्पेस हैगी विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो मैं स्पैशली बेटा तुम्हें कहा कि बार बार यही गल कही थी, तुम इतने देखो लिखा हुआ है लास्ट लाइन, देखो बेटा लास्ट लाइन के लिखा हुआ है इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सैल का जरा 90% तक जो वॉल्यूम है बेटा वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो वैक्यूल कितने प्रेजेंट है, एक लार्ज वैक्यूल है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सैल। सैल के सेंटर के देखो ये सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, बट कितने प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट ऑनली इन प्लांट सैल। ये प्लांट सैल की गल कर रहे हैं असं, एनीमल सैल के भी वैक्यूल्स प्रेजेंट है बट बड़े छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट ने। इतने बेटा प्लांट सैल के जो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे विच ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सैल। तो मेरी ऑप्शन की सी कि मेरी ऑप्शन के प्लांट सैल लिखा हुआ है, ध्यान ना देखो बेटा, देखो ऑप्शन के क्लीयरली की पूछा हुआ बेटा एनीमल सैल की गल की हुई। सो एनीमल सैल की गल करके पूछा हुआ है कि एनीमल सैल के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, बिल्कुल भी नहीं है। कि प्रेजेंट है वो प्लांट सैल के प्रेजेंट है, इस करके जो 100 स्टूडेंट है ना या 60% ऑफ स्टूडेंट्स ने इन्हों का आंसर गलत हो जाता है। सैकेंड जो 8% ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्लांट सैल्स डिड नॉट हैव सैल मैमब्रेन, ये बेटा जो 12 स्टूडेंट्स है बिल्कुल तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिता, ध्यान नहीं पढ़िया। चलो पहली स्टेटमेंट के जो मैं ये गल कह कि कन्फ्यूज हो गए स्टूडेंट्स, ये तो कन्फ्यूजन वाली कोई गल ही नहीं है। प्लांट सैल के सैल मैमब्रेन किमें नहीं होगी, प्लांट सैल है, एनीमल सैल है, प्रोकैरियोटिक सैल है, यूकैरियोटिक सैल है, कोई भी सैल है, सैल जिहड़ा है दिस इज बॉन्डेड बाय मैमब्रेन। मैमब्रेन तो हैगी हैगी बेटा, प्लाज्मा मैमब्रेन प्रेजेंट है। इस जो मैं अपने कॉन्टेंट पर लैके जा मैं लग नहीं रहा कि जी गल हैगी मैं प्लस वन वाले स्टूडेंट्स को दस रहे हैं, मेरे वास्ते बड़ी हैरानी की गल है कि प्लस वन वाले स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि प्लाज्मा मैमब्रेन नहीं हैगी। इस देखो इतने क्लीयरली लिखा हुआ जितों मैं पढ़ाया था सैल वॉल दे विच, सैल वॉल की सब तो पहली लाइन देखो इट इज़ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मैमब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सो फंजाई के प्लांट्स के बेटा सैल मैमब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मैमब्रेन के बाहर सैल वॉल प्रेजेंट है। सो जे तुसी यही गल कहो कि सैल वॉल एनीमल सैल के हैगी है या नहीं हैगी जी है बेटा गलत हो जाता। जे मैं इतने कहना कि सैल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स तो तुम इस करैक्ट ऑप्शन मान सकते, बट तुम इतने बेटा की कह रहे हो अपनी जी है स्टेटमेंट की है, साड़ी स्टेटमेंट है प्लांट्स डिडंट हैव सैल मैमब्रेन, प्लांट्स को सैल मैमब्रेन नहीं है।
सो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रोंग स्टेटमेंट हैगी है। हाँ जे आप बेटा ये कह देंगे कि एनीमल सैल्स डिडेंट हैव सैल वॉल तो आप उस स्टेटमेंट को करैक्ट मान सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरैक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ये किवें हो सकता है कि प्लांट सैल्स को सैल मैमब्रेन ना हो, प्लांट सैल्स को सैल मैमब्रेन होंगी है, सो दिस इज इनकरैक्ट स्टेटमेंट। थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट इन प्लांट सैल्स, प्लांट सैल्स के क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट का काम की है बेटा। प्लांट सैल्स के मैं तुम्हें पढ़ाया कि प्लास्टिड्स होंगे है, प्लास्टिड्स दी अलग अलग टाइप्स पढ़ाईया ने, जिन्हों के अपने को बेटा क्लोरोप्लास्ट है। ये देखो इतने मैं लैके आना तुम उस कंटेंट के उत्ते, देखो आसी प्लांट प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये कितने प्रेजेंट है बेटा प्लास्टिड्स, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सैल्स। तो क्लोरोप्लास्ट का काम की होंगे, इन्हों का काम फोटोसिंथेसिस होंगे, दे कंटेन क्लोरोफिल, सब तो पहली लाइन देखो बेटा, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, इन्हों का काम की है, दे ट्रैप द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं, तो उस लाइट एनर्जी ट्रैप करके कहदे लिए यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। यह तो बड़ा क्लीयर है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट तो होगी होगी। सो इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपली बिल्कुल क्लीयरली पता लग रही थी, मैंने बड़ी हैरानी हुई कि प्लस वन के स्टूडेंट को यह नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट होंगे प्लांट सैल के। सो इस सिर्फ 26 स्टूडेंट्स जो ठीक कह रहे हैं, 26 स्टूडेंट्स इस सही कह रहे हैं, इसका मतलब की है बेटा कि इसका मतलब क्लीयर यह है कि जो बाकी स्टूडेंट्स है ना, बाकी स्टूडेंट्स जोड़े है वह बेटा इसनों ध्यान दे उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी इसकी। यस हाँ ये क्वेश्चन। सो जोड़े बाकी मेरे स्टूडेंट्स है 26 स्टूडेंट्स ने तो चलो यही गल कहती, ये तो बिल्कुल ठीक ने, ये 26 स्टूडेंट्स ठीक है, इन्हों का आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ करैक्ट स्टेटमेंट, करैक्ट ही पूछा सी आप स्टेटमेंट करैक्ट है, सो आंसर सी इज़ करैक्ट। 18% स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ने, बट जे 100 स्टूडेंट्स ने, ये 12 स्टूडेंट्स ने, जै 10 स्टूडेंट्स ने, जो 10 स्टूडेंट्स क्लास है वो कह रहे हैं कि न्यूक्लीयस ओनली एग्जिस्ट इन एनीमल सैल, वो न्यूक्लीयस एनीमल सैल दे विच की प्लांट सैल दे विच भी होएगा, एको ही आर्गेनल, कुछ अपने को सैल्स इस तरह के जरूर है एनीमल सैल्स जिद न्यूक्लीयस नहीं है, तो वो तुम बेटा सैल तो उन्होंने पता होएगा कि एनीमल सैल का, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के वो कि सैल्स ने जिन्हों के न्यूक्लीयस नहीं होंगे, जे तो पता है तो तुम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। बट बेटा जेडे ए स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि न्यूक्लीयस सिर्फ एनीमल सैल के होंगे, एग्जिस्ट ओनली इन एनीमल सैल, न्यूक्लीयस का प्लांट सैल्स भी होंगे, इन ऑल द यूकैरियोटिक सैल न्यूक्लीयस इज प्रेजेंट। सो यदा मतलब बेटा ये 7% स्टूडेंट्स भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली 18% स्टूडेंट्स, सिर्फ 26 स्टूडेंट्स का आंसर करैक्ट आया, बाकी स्टूडेंट्स बेटा ये मैं वीडियो इस करके नहीं बनाया कि तुम इसका आंसर दस सका, उदा वट्सअप ग्रुप के आंसर दसता था डायरैक्टली मैं दसता से, बट इन्हों मैं इस गल करके बेटा वीडियो बनाया कि तुम अवेयर होवो, ये जेडे 100 स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन में इनकरैक्ट कह रहे हैं, 12 दूसरी 10 स्टूडेंट्स लास्ट ऑप्शन में, ये तो मेरा बेटा जो है स्क्रीनशॉट जो है वट्सएप ग्रुप का कुछ दिन पहला का, उस तो बाद होर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पोल में अटैम्प्ट किया, सीरीयस हो जाओ स्टडी लैके, प्लस वन साइंस ग्रुप लैता लिया हूँ इनू नभा भी पेगा, जब आप लेंदे ना जे साइंस ग्रुप लै लिया तो हूँ सीरीयसली स्टडी करनी पेगी बेटा, इस साइंस ग्रुप में जो तुम नभा फॉर दैट रेगूलर क्लासेस लैनिया पैनगियाँ, घर पढ़ना पेगा, सब तो ज़्यादा जरूरी है सैल्फ स्टडी, सैल्फ स्टडी की आदत बनानी पेगी। इस करके बेटा मेरा इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज है इन्ह स्टूडेंट्स के लिए कि सीरीयस हो जाओ, अपनी पढ़ाई में कर लग जाओ, रेगूलरली पढ़ो, फिर ही तुम साइंस ग्रुप के वधिया रिजल्ट लै सकते हो।